बाइक जो है 1 किलोमीटर चली होगी, बाइक बंद हो गई, देखो बंद हो गई, इसका करंट 100% चला गया, क्योंकि गर्म होने के बाद बाइक बंद हो जाती है, उसके बाद करंट इस बाइक में नहीं आता है। तो सेल्फ मार के दिखाता हूँ, देखो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, इसका करंट चला गया और दूर दूर तक कोई नहीं है। अभी जो है फिलहाल मैं इसकी CDI चेक कर रहा हूँ, 12 वोल्ट का करंट आ रहा या नहीं आ रहा CDI में, तो CDI वाली वायर में चेक करते हैं, 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए, तो CDI में 12 वोल्ट का करंट बैटरी से आ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग, मेरा नाम इम्तियाज। तो आज मेरे पास हीरो की स्प्लेंडर आई स्मार्ट बाइक है, और इस बाइक में प्रॉब्लम ये है कि बाइक 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है, फिर बाइक का करंट चला जाता है, स्टार्ट नहीं होती है, प्लग वाला जो करंट होता है वो चला जाता है, बाइक स्टार्ट नहीं होती है। अभी बाइक बिल्कुल ठंडी है, तो देखना इस बाइक में करंट भी होगा और ये बाइक जो है बढ़िया चलेगी भी। चलो मैं इसका प्लग कैप खोलता हूँ, बाइक बिल्कुल ठंडी है, अभी मैं इसका करंट चेक कराता हूँ, देखो करंट आएगा इसमें। चलो इसको यहाँ पे रोक के रखते हैं और स्लिप मारते हैं, देखो करंट आ रहा है, देखो आ रहा है करंट, बढ़िया तरीके से आ रहा है, बाइक स्टार्ट भी होगी, ये देखो देखो। और जैसे ही इस बाइक को मैं 1 किलोमीटर चलाऊंगा, बाइक अपने आप बंद हो जाएगी और फिर स्टार्ट नहीं होगी, ये करंट चला जाता है। अब चलो मैं बाइक का ये प्लग कैप लगा देता हूँ और बाइक को 1 किलोमीटर चलाता हूँ। बाइक देखो फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठंडी है बाइक, इस वजह से बाइक स्टार्ट हो रही है। अब बाइक को मैं चलाता हूँ, चलाने के बाद जहाँ भी ये बंद होगी वहीं पर आप लोगों को करंट इसका चेक कराऊंगा। ये देखो बाइक का करंट चला गया, अब एक्सीलेटर जितना भी दो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, बाइक चलते चलते बंद हो गई। अब इसे कहीं पे मैं रोकता हूँ, उसके बाद एक बार स्लिप मारता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने इसको खड़ी किया, एक दो बार स्लिप मार के देखता हूँ, देखो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। स्लिप मार के चेक किया, बाइक का साइड स्टैंड लगाते हैं, देख लो मैं गैरेज पे नहीं हूँ, बाहर हूँ, चेक कर रहा हूँ, दूसरे जगह पे चेक करने के लिए लाया था। अब जो इसका पहले स्पार्क प्लग निकालते हैं, यहाँ पे एक कैप, जो कैप को निकालते हैं, इंजन गर्म हो चुका है, सिर्फ 1 किलोमीटर चली है, 1 किलोमीटर बंद हो गई है। अब देखना इसमें करंट नहीं आएगा, सेल्फ मारता हूँ, करंट दिखाता हूँ, तो चलते चलते अचानक बाइक बंद हो गई थी। उसके बाद मैं टोचिंग करके वापस से गैरेज पे लाया, इसकी जो सीट है सीट को ओपन कर लेता हूँ, और इसकी सीट खोलने के बाद इसका टैंक खोलते हैं, टैंक खोलने के बाद जो इसकी CDI चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 CDI हैं, एक I3S वाली कॉयल है और एक जो है CDI लगी हुई है, तो दोनों CDI को चेक करते हैं। पहले इसकी जो टैंक है, टैंक को निकाल के रखते हैं साइड में, इसकी जो टैंक है, टैंक निकल रही, टैंक को निकाल के हम साइड में रखते हैं, इस टैंक निकल गई, एक बार वापस से करंट चेक करा देता हूं मैं, करंट नहीं आ रहा है। बाइक गर्म होने के बाद करंट चला जाता है, इसकी जो I3S वाली कॉयल है, ये CDI, इस CDI को डायरेक्ट करता हूं मैं, सबसे पहले इसे मैं डायरेक्ट करके देखता हूँ, इसके वजह से तो नहीं प्रॉब्लम कर रही, बैटरी बिल्कुल नहीं है, बैटरी की फिक्र कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो कॉयल है वो डायरेक्ट कैसे करना है वो आप लोगों को बताता हूँ, ये वाली क्लिप हमको बाहर निकालना है, ये जो कपलर है इस कपलर को डायरेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने इस कपलर को डायरेक्ट कर दिया, मतलब जो हमारी I3S वाली कॉइल है डायरेक्ट हो गई है, करंट फिर भी नहीं आ रहा है, देखो करंट नहीं आ रहा है यहाँ से डायरेक्ट करने के बाद भी। इसको मैं लगा आपके भी दिखा देता हूँ, आप लोगों कहीं सोचो कि एक तरफ ही कपलर निकला है, तो देखो अभी भी देखना करंट नहीं आएगा, बैटरी लो हो गई है शायद इसकी,
किक से काम चलाते हैं। ये देखो करंट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा करंट। थोड़ा इसको बढ़िया से लगाते हैं, उसके बाद चेक कराते हैं। देखो किक मार रहा हूँ, करंट नहीं आ रहा है। इसको हमने डायरेक्ट किया फिर भी जो है करंट नहीं आया। इसको थोड़ा अच्छे से एक बार और लगा लेता हूँ। अगर आई थ्री इस कॉइल की प्रॉब्लम होती तो करंट आ जाता, बट इसमें करंट आ ही नहीं रहा है। इसको निकालते हैं, इसको वापस से लगा देते हैं, क्योंकि ये सी डी आई बिल्कुल बढ़िया है। आई थ्री एस वाली सी डी आई बिल्कुल ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये लगाने के बाद करंट नहीं आया। जब तक इंजन गर्म है करंट नहीं आएगा, जैसे इंजन ठंडा होगा करंट आ जाएगा। तो हम फटाफट से चेक कर लेते हैं इसकी सी डी आई, फटाफट से चेक कर लेते हैं सी डी आई में क्या प्रॉब्लम हुई है। वो सी डी आई में कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें चेक करते हैं 12 वोल्ट का करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसकी सी डी आई को चेक कैसे करना है, चलो ये चीज़ देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो रेड और रेड में जो ब्लैक लाइन है, ये रेड में ब्लैक लाइन, इसमें 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए। चाबी को जैसे ही ऑन करेंगे हम तो यहाँ पे 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए। तो चलो 12 वोल्ट का करंट आ रहा है नहीं आ रहा सी डी आई में वो चेक कर लेते हैं एक होल्डर बल्ब की मदद से। इसको मैं एक बार यहाँ पे लगाता हूँ, और जो दूसरी वाली वायर है वो अर्थ कहीं से दे देंगे। चाबी को ऑन रखना है, सी डी आई में 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। देखो ये देखो 12 वोल्ट का करंट आ रहा है सी डी आई में, कोई मतलब सी डी आई में 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। अब यहाँ से जो ये वाली वायर में करंट आ रहा है, अब यहाँ से जो घूम के जाना चाहिए इसमें जाना चाहिए ये वाली वायर में, ब्लैक और येलो पट्टी जिसमें, इसमें इसमें ये इसमें करंट चेक करते हैं इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से गया और ये हाई टेंशन कॉइल में आता है सीधा वायर, तो इसमें करंट चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। येलो पट्टी उसमें करंट चेक करते हैं, उसमें लगा के देखते हैं होल्डर और बल्ब। इसको अर्थ कहीं पे सेट करते हैं और अब देखते हैं सेल्फ मार के, करंट नहीं आ रहा है। देखो नहीं आ रहा है। अभी जिसकी सी डी आई है ना भाई, सी डी आई एक बार नई डाल के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट आ ही नहीं रहा है। सी डी आई है, सी डी आई मेरे ख्याल से ख़राब हो गई है शायद, कन्फर्म नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, ये सी डी आई चेंज करके ही देखता हूँ, दूसरी नई सी डी आई लगा के चेक करते हैं। अगर इससे प्रॉब्लम होगी सी डी आई से, और ये कॉयल प्लेट भी चेक कर लेंगे, पहले इसकी सी डी आई नई डालते हैं, नई डाल के चेक कर लेते हैं। ये तो आई थ्री एस वाली कॉयल है, ये बिल्कुल ठीक है, इसको मैंने चेक कर लिया डायरेक्ट करके, ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 12 वोल्ट का करंट तो आ रहा है, लेकिन इधर से जो करंट घूम के जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। अभी मैंने इसकी टैंक लगा दिया है, टैंक सिर्फ फंसा दिया है, ये चेक करने के लिए नई सी डी आई लगाने के बाद चला के देखेंगे करंट गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सी डी आई मैं लेके आया हूँ, ये देखो ये पुराने वाली सी डी आई है और ये नई मिंडा की सी डी आई है। ये देखो स्पार्क मिंडा, ये पैसन की है प्रो की, जो इसमें सेम है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको निकालता हूँ मैं बाहर, और अब जो है दोनों सी डी आई मेरे पास है। देखो एक नई है एक पुरानी है। अब मैं नई वाली सी डी आई जो है इसमें इंस्टॉल करके बाइक को चला के चेक करूँगा 1-1.5 किलोमीटर, बाइक बंद गर्म होने के बाद बंद हो रही कि नहीं हो रही है। क्योंकि अभी जो बाइक ठंडी हो गई, मैं सी डी आई लेने गया था तो वहाँ पे टाइम लग गया, बाइक ठंडी हो गई, इसमें करंट आ गया होगा। अभी मैंने नई सी डी आई लगाया है, चलो करंट चेक कर लेते हैं करंट आया कि नहीं आया। यहाँ पे हम चाबी को ऑन करते हैं और करंट चेक कर लेते हैं, देखते हैं। देखो अभी करंट इसमें आ रहा है, आ रहा है करंट नई सी डी आई में, बाइक ठंडी है, अभी करंट आ रहा है नई सी डी आई में, देखना। ये देखो फर्स्ट क्लास जो है इसमें करंट आ रहा, बाइक स्टार्ट भी होगी। बाइक फर्स्ट क्लास स्टार्ट है, करंट प्रॉपर आ रहा है। अब इसको बंद करते हैं बाइक को, चलो बाइक बंद हो गई। अब जो है मैं एक काम करता हूँ, जो नई सी डी आई में लगाया हूँ वापस से पुरानी वाली लगाता हूँ। इसको लगाने इसको लगा लेते हैं पहले।
अब मैं नई CDI वाली, ये वाली जो CDI मैंने लगाया नई, इसको निकालता हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना प्रॉपर सही करके बाइक को देना। ये पुरानी वाली लगाते हैं अभी फ़िलहाल, पुरानी वाले में भी करंट आ गया होगा, और अगर CDI की दिक्कत होगी तो करंट इसमें नहीं आएगा। एक बार पुरानी वाली लगा के चेक कर लेते हैं, ताकि ये भी कन्फर्म हो जाए कि CDI में प्रॉब्लम है, या फिर वो गर्म होने के बाद बाइक बंद होती ना। देखो फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई पुरानी वाली से भी, क्योंकि इंजन ठंडा है। ये देखो फर्स्ट क्लास स्टार्ट है, इंजन ठंडा है, अभी ये हो रही है। मैं ये CDI को लगा के ही, CDI जो लगी हुई है इसको लगा के बाइक को चला के देखते हैं, और जो नई CDI वो अपने पास रख के जाएंगे। चलो इसको मैं पहले लगा लेता हूँ, ये अभी पुराने वाली CDI रखी हुई है। नई CDI मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा, बाइक का राउंड मारूंगा, जहां पे बंद होगी नई CDI लगा के चेक कर लूंगा। देखो अभी इसमें जो हुआ है, क्या हुआ कि मैंने नई CDI लगाई तो भी स्टार्ट हो रही है, पुरानी CDI लगाई तो भी बाइक स्टार्ट हो रही है। तो अब जो है मैं करने वाला हूं, इस बाइक का वापस से मैं ट्राई लूंगा, 1 से 1.5 किलोमीटर चला के देखूंगा, जिस जगह पे बंद पड़ेगी उसी जगह पे नई CDI लगा के चेक कर लेंगे। तो चलो इस बाइक को चला के चेक करते, जहाँ पे करंट इसका गायब होगा, जहाँ पे बाइक बंद होगी वहीं पे नई CDI लग जाएगी इसमें, और तुरंत चेक भी हो जाएगा। चलो फटाफट चला के चेक करते हैं। तो भाई वापस से बाइक बंद हो गई है इंजन हूट होने के बाद। देखो सेल्व मार रहा हूँ, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, इसका वही हुआ, करंट चला गया है। अब इसमें जो मैं नई CDI लेके आया हूँ वो सेट करता हूँ, क्योंकि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, चाबी को बंद करते हैं, और पुराने वाली जो CDI इसमें लगी हुई है वो निकालते हैं, नई CDI लगाते हैं। इसमें करंट भी चेक करा देता हूँ, देखना कहीं आप लोगों को लगे पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, करंट भी चेक कर लेता हूँ। चलो एक बार करंट आया तो था, लेकिन वापस से चला गया, आप लोगों ने देखा। इसका प्लग कैप यहाँ पे रखता हूँ, इसमें जो नई CDI मैं अपने साथ लेके आया हूँ, ये देखो ये नई CDI है, साथ में लेके आया हूँ इसको। अब इसको इंस्टॉल करते हैं, जो पुरानी वाली CDI है वो लगी हुई है, उसको मैं निकाल लेता हूँ, नई CDI लगा के चेक कर लेते हैं करंट आया कि नहीं आया। चलो क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम उसी तरीके से दिखा रहा है, तो ये CDI को निकालता हूँ, नई CDI इंस्टॉल करके करंट चेक करते हैं। मैंने नई CDI लगा दी है, ये देखो नई CDI, इसको रखते हैं, और इसका जो पैनल है वो लगा करने के बाद जो इसमें एक बार करंट चेक करते हैं, करंट आया कि नहीं। वैसे तो आ जाना चाहिए क्योंकि नई CDI है। चलो सेल्फ मारते हैं, करंट चेक करते हैं। ओ भाई साहब करंट नहीं आ रहा है नई CDI में भी।